वेलकम गाइस माय सेकंड वीडियो, जहां हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। आज हम उसका स्पॉइलर साथ रिव्यू देंगे, तो आप अपने जोखम पर ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो जल्दी से जाइए और मूवी देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है टेगिस्टेन। मूवी की शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज के सपने से होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब सो रहा होता है तो उसके सपने में अमेरिका चावेस और डिफेंडर स्ट्रेंज दोनों किसी मॉन्स्टर से बचकर जा रहे होते हैं, मगर वो बचने में नाकाम हो जाते हैं और डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस हमारे यूनिवर्स में आ जाते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला यूनिवर्स, जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में गए होते हैं। मगर हर कहानी की तरह इस कहानी में भी शादी की बर्बादी ही हो जाती है। शादी में एक जाइंट ऑक्टोपस आ जाता है। उस ऑक्टोपस से फाइट करने के बाद उनकी मुलाकात अमेरिका चावेस से होती है। अमेरिका चावेस बताती है कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं अलग अलग यूनिवर्स मतलब मल्टीवर्स में मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो हमारे डॉक्टर साहब उसके पास प्रूफ मांगते हैं। क्या प्रूफ है तेरे पास कि तू अलग मल्टीवर्स से आई है, अलग यूनिवर्स से आई है, मेरा मतलब अलग यूनिवर्स से आई है। तो वो भाई साहब को बताने जाती है डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश। डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश लेकर हमारे डॉक्टर साहब के मन में ख्याल आता है कि ये तो कोई डार्क बुक से कर रहा है। तो वो जाता है अपनी वंडा के पास मदद मांगने के लिए, पर उसका तो कचरा ही हो गया, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता चलता है कि अमेरिका चावेस के ऊपर हमला करवाने वाली और कोई नहीं, हमारी वंडा ही है, क्योंकि उसे अपने बेटे दो दो बेटे वापस लाने हैं दूसरे यूनिवर्स से। वो मुमकिन कैसे होगा? अमेरिका चावेस की वजह से। तो वो उसके पीछे पड़ जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस को बचाने के लिए वहाँ से उसको लेके कूद पड़ते हैं। अमेरिका चावेस कई यूनिवर्स पार करके उन्हें किसी अलग यूनिवर्स में ले जाती है, जहाँ हमारी मुलाकात होगी इल्यूमिनाटी से। इल्यूमिनाटी तो आप जानते ही होंगे। उस यूनिवर्स में जाने के बाद उनकी मुलाकात मोर्डो से होती है। मोर्डो उनको कॉफी में कुछ दवाई सवाई मिला के बेहोश कर देता है और उन्हें ले जाता है इल्यूमिनाटी में। इल्यूमिनाटी में डॉक्टर साहब की मुलाकात होती है चार्ल्स सेवियर से, जो हमारे प्रोफेसर एक्स है। वो हमारे डॉक्टर साहब को बताते हैं कि हमारे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क बुक को ज्यादा ही कुछ पढ़ लिया था, तो उसके वजह से वो ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए हमने उसे मार दिया मतलब मिटा दिया। वही वंडा वॉन्ग को लेके अपने घर चली जाती है और वहां पर मुलाकात आती है चेतन की, मेरा मतलब है चेतन की, वही उसके बाड़े के टट्टू। वंडा फिर से डार्क बुक का जादू करके दूसरे यूनिवर्स के वंडा के शरीर में चली जाती है। उसके बाद शुरू होता है असली मारकाट मतलब फाड़ू। वंडा को चाहिए अमेरिका चावेस की शक्ति, मगर वंडा जाती है इल्यूमिनाटी में और वो मार देती है सारे अल्ट्रॉन को, सारे अल्ट्रॉन रोबोट को मार देती है। वहां पे मुलाकात होती है इल्यूमिनाटी के चार कैरेक्टर से, मेरा मतलब है चार सुपर हीरो से। नंबर 1 है कैप्टन कार्टर, नंबर 2 ब्लैक बोल्ट, नंबर 3 कैप्टन मार्वल और नंबर 4 फैंटास्टिक फोर, और नंबर 5 भी है हमारे प्रोफेसर एक्स चार्ल्स सेवियर। तो डॉक्टर साहब वंडा से फाइट करने के बाद जाते हैं डार्क बुक लेने, मगर वहाँ पे भी डार्क बुक वंडा जला देती है और उनके हाथ में थनथन गोपाल आता है। उसके बाद वो पकड़ते हैं अमेरिका चावेस को, मतलब वंडा अमेरिका चावेस की शक्तियाँ छीनने की कोशिश करती है, पर अमेरिका चावेस फिर से एक पोर्टल खोल देती है और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिश्चियन चले जाते हैं। मगर उस यूनिवर्स में जाने के बाद हमारे डॉक्टर साहब देखते हैं कि ये यूनिवर्स ख़त्म हो रहा है, मतलब कि वहाँ के एक डॉक्टर स्ट्रेंज ने मतलब उसके वेरिएंट ने डार्क बुक कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जादू कर लिया था डार्क बुक का, इसकी वजह से वो अपना समांतर खो रहा था, वो शहर वो जो दुनिया थी अलग यूनिवर्स वो तबाह हो रहा था। तो हमारे डॉक्टर साहब इविल स्ट्रेंज से मिलते हैं और इविल स्ट्रेंज के साथ फाइट करके उसे मार देते हैं। उसके पास से डार्क बुक लेते और वो डार्क बुक का अपना जादू करते, उस जादू से वो अपने यूनिवर्स के डिफेंडर स्ट्रेंज जो फर्स्ट में मरा हुआ पड़ा था ना, जिसे दफना दिया गया था, उसे बाहर निकालते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। असली यूनिवर्स में आने के बाद वो फाइट करते हैं वंडा से, मगर वो उनका सामना नहीं कर पाते। मगर वहाँ पे अमेरिका चावेस को डॉक्टर साहब बताते हैं, डॉक्टर साहब अमेरिका चावेस को बताते हैं कि तुम अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर सकती हो। तो अमेरिका चावेस आ जाती है पावर में और वो एक और पोर्टल खोल देती है उस यूनिवर्स का, जहाँ पर वंडा रहती होती है। वहाँ पर वंडा आमने सामने आ जाती है। बहुत ही हार्ड सीन था मेरा भाई, लिटरली। मगर वहाँ जाने के बाद वंडा को रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और यूनिवर्स के बच्चों को अपने यूनिवर्स में नहीं ला सकती, इसलिए वो सारी डार्क बुक तबाह करके खुद भी तबाह हो जाती है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन के बारे में। चलिए तब तक के लिए अलविदा।